तो यार फाइनली भोला मूवी 30 मार्च को रिलीज हो गई है और फिल्म देखकर मैं बोल सकता हूँ कि बॉलीवुड में चल रही अकाली को शाहरुख खान ही नहीं है जो कि बॉलीवुड को नीचे गिरने से बचाए हैं, बल्कि अब अजय देवगन भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। भले ही ये मूवी कैसी की रीमेक है, पर रीमेक का तड़का कोई अजय देवगन से सीखे भाई, क्योंकि इस आदमी को पता है कि रीमेक मूवी को तड़का लगाकर कैसे चलाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मूवी की थोड़ी सी स्टोरी को देख लेते हैं। वैसे फिल्म भोला की समरी कैथी मूवी की ही है। तो कहानी शुरू होती है कि 10 साल बाद जेल से एक छोटा कैदी अनाथालय में पड़ रही अपनी बेटी से मिलने निकलता है, तो रास्ते में उसे पुलिस उठा लेती है, वो भी ड्रग्स के केस में। तो इलाके के सारे पुलिस वाले एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी में पार्टिसिपेट होने आते हैं। वहाँ पुलिस का वह जत्था भी पहुंच जाता है, जिसने उसी दिन 1,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का सामान जब्त किया था। ड्रग्स के तस्करी करने वाले पुलिसों का ही एक बड़ा अफसर कमीशन के लालच में इसका ठिकाना बताने का सौदा करता है। सौदा तय होती पार्टी में बट रही शराब में एक फैटल केमिकल मिला दिया जाता है। सारे पुलिस ऑफिसर बेहोश हो जाते हैं सिवाय फिल्म की हीरोइन की, उसने एंटीबायोटिक ले रखी जो शराब नहीं पी सकती। अब जेल से छूटे इन्हीं कैदी को इन सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है। वह ट्रक लेकर निकलता है तो रास्ते भर उन पर हमले होते रहते हैं। वजह है कि ट्रक में मौजूद महिला पुलिस ऑफिसर और उसकी वह टीम जिसने की ड्रग्स का जखीरा जब्त किया था, उनको मारकर लेने वालों के लिए मोटी रकम का खुला ऐलान हो चुका है और सूबे का हर गिरोह इसे हासिल करना चाहता है। इस पूरे इवेंट में उत्तर प्रदेश के लालगंज और ऊंचा हार का है और फिल्म देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने वालों में से शायद किसी ने कभी लखनऊ के इस पास इलाके में कदम रखा हो।